तो ये सार्थक अंक पढ़ने हैं हमें। देखो सार्थक अंक क्या होते हैं इन्हें पहले हम समझ लेते हैं अच्छे से। आप भौतिक राशि तो जानते हो, भौतिक राशियाँ कितनी हैं मुख्य रूप से? भौतिक राशियाँ मुख्य रूप से हैं सात, सात भौतिक राशियाँ हैं और उनमें आगे आपको दो पूरक राशियाँ मिलती हैं, एक का नाम है कोण और एक का नाम है घनकोण। भौतिक विज्ञान में जो हम लोग इलेवेंथ पढ़ेंगे उसमें कितनी राशियाँ हैं? सात। मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और दो कम्प्लीमेंट्री हैं पूरक राशियाँ हैं, ठीक है। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियाँ हैं इनका मापन करना होता है, इनका हमें क्या करना होता है? मापन, मेजरमेंट। तो जब हम मेजरमेंट करेंगे, मापन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी? मात्रा, अमाउंट मिलेगा। जब हम भौतिक राशियों का मापन करेंगे तो हमें उसकी मात्रा प्राप्त होगी, यानी अमाउंट या वैल्यू उसकी हमें मिलेगी। अब जो वैल्यू होती है मात्रा, उस मात्रा को व्यक्त करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज। भौतिक राशियाँ होंगी उनका मापन करेंगे, मापन के लिए हमें मात्रा प्राप्त होगी और उस मात्रा को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? आंकिक मान का। अब जो आंकिक मान होता है ना, वो जब हम गणना करते हैं तो वो टेढ़ा मेढ़ा प्राप्त हो जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैंने कहा कि ये कोई लकड़ी है, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो जब इस लकड़ी की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से 20 सेंटीमीटर नाप ले गए। फिर मैंने कहा इस लकड़ी की लंबाई 20.5 सेंटीमीटर है, तब भी आपको बात समझ में आ गई कि 20 सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कहा इस लकड़ी की लंबाई 20.25 सेंटीमीटर है, तब भी आप थोड़ा समझ गए कि 20 सेंटीमीटर पूरा और एक सेंटीमीटर का एक चौथाई है, 0.25 मतलब एक चौथाई सेंटीमीटर का, यहाँ तक ठीक ठाक है। लेकिन अगर मान लो किसी गणना में आपने प्राप्त किया 252, फिर 3 आ गया इतना सेंटीमीटर, तो इसका क्या मतलब समझोगे? क्या इसे आप माप सकते हो आसानी से? नहीं। ये जो चीज़ें हैं ये गणनाओं के बाद आती हैं। जब हम गणना करते हैं, राशियों का मापन करते हैं, तो मापन में कभी कभी ऐसे परिणाम हमें प्राप्त हो जाते हैं, ये परिणाम शुद्ध नहीं होते, इन परिणामों को हमें शुद्ध करना होता है जिससे कि हम यथार्थता के साथ इनका मापन कर सकें। यथार्थता और परिशुद्धता दोनों बहुत आवश्यक है जिसके लिए इसका मापन हमें करना है। हम यहाँ पर दो चीज़ें करने वाले हैं, एक तो हम इसके सार्थक अंकों की बात करेंगे, कौन कौन सा अर्थ इसके लिए सही है, सार्थक है, और दूसरा इसे राउंड ऑफ किया जाएगा। क्या करना होगा? राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ का मतलब ये जो इतनी राशियाँ 2523 लिखा हुआ है, इसे दो डिजिट में करना होगा। जब ये दो काम हम करेंगे तब जा करके इसकी सार्थकता को हम अच्छे से पहचान पाएंगे कि ये कितना सार्थक मान है। आज का जो टॉपिक है वो है सार्थक अंक, यही हमें पढ़ना है। तो पहले सार्थक अंक पढ़ेंगे, फिर राउंड ऑफ करना हम आपको सिखाएंगे। सार्थक अंक क्या होते हैं? सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक ये होते हैं सार्थक। जितने अशून्य अंक हैं ये सब क्या होते हैं? सार्थक। अशून्य का मतलब जो शून्य ना हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 के 9 अंक क्या होते हैं? सार्थक। किसी भौतिक राशि के मापन में अगर इनके आंकिक मान इन 9 अंकों में से लिखे गए हैं तो वो सारे के सारे अंक क्या होंगे? सार्थक होंगे। उदाहरण के लिए जी, क्यों नहीं, दैट्स अ रीजन, डोंट हैव अ क्वेश्चन।
मतलब इसके लिए प्रश्न ना करो, ये मानक है, इसी स्टैंडर्ड के अनुसार इसको लिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो है 22 या 23 किलोग्राम। कितने किलोग्राम है? 23 किलोग्राम है। हम पूछे इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो इस राशि में कितने सार्थक अंक दिख रहे हैं? दो सार्थक अंक हैं, एक और एक, ये दो सार्थक अंक हैं। अगर हम मान लेते हैं कि कोई राशि है जो हमें ऐसे प्राप्त हुई है 235 चार या 55 लिख देते हैं, इतने किलोग्राम प्राप्त हुआ, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? कितने सार्थक अंक है भाई? चार सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4। जितने अंकों का इस्तेमाल किया वो क्या है? सार्थक है। और ये सभी के सभी अशून्य हैं, इनमें से कोई भी शून्य नहीं है। अच्छा, मान लो इसमें दशमलव लगा हो तो 2.355 ऐसे, तब कितने सार्थक अंक होंगे? तब भी सार्थक अंक 4 ही रहेंगे, इस दशमलव का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जानकारी स्पष्ट है। अगर ऐसे लिखा हो 2.355 गुणे 10^10 किलोग्राम, तब कितने सार्थक अंक आएंगे? कितने सार्थक अंक होंगे? तब भी 4 ही रहेंगे। क्यों? 10^10 का सार्थक अंकों से कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। सिर्फ कितने सार्थक अंक आएंगे? 4, 1 2 3 4। अगर यही चीज़ ऐसे लिखा हो 2.355 गुणे 10^-10 लिखा हो तो तब भी सार्थक अंक कितने होंगे? 4 ही होंगे। इस पे ऋण घात हो या धन घात हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जितने भी अशून्य अंक हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। कोई डाउट? मुसीबत कहाँ आएगी? मुसीबत यहाँ एक जगह आएगी, जब शून्य आएगा। अब शून्य में भी कई तरीके हैं। जैसे एक केस मैं आपको बताता हूँ, ये फर्स्ट केस था। सेकंड, दो अशून्यों के बीच का शून्य, दो अशून्यों के बीच का शून्य सार्थक होता है। दो अशून्यों के बीच का शून्य जो होगा वो सार्थक होगा। यानी अगर मान लो हमने इस द्रव्यमान को ऐसे लिखा होता 2.035 किलोग्राम, तो इसमें कितने सार्थक मिलते भाई? SF का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। तो इसमें कितने सार्थक अंक दिख रहे हैं? 4, 1 2 3 4। क्यों? इस शून्य को भी हमने माना सार्थक। शून्य को भी क्या माना गया? सार्थक। क्यों माना गया? क्योंकि इसके पहले और इसके बाद में जो अंक है वो क्या है? अशून्य है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। इसलिए ये जीरो भी क्या बन गया? सिग्निफिकेंट हो गया। तो इसमें कितने सार्थक मिल गए हमको? तो अगर दो अशून्य नंबर हैं, अशून्य अंक हैं, उनके बीच में कोई शून्य है तो वह शून्य भी क्या माना जाएगा? सार्थक माना जाएगा। जानकारी स्पष्ट है। अच्छा, और अगर ऐसे लिखा हो 20 3 5, इतना किलोग्राम, तो इसमें कितने सार्थक हैं? ये जो दोनों शून्य है ये क्या बनेंगे? सार्थक। 1 2 3 4 5, दोनों सार्थक, क्योंकि ये 3 और 5 के बीच में है और 2 और ये 3 के बीच में है। साथ में रहेंगे तब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वही तो हमें आगे सीखना है। इस शून्य में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो दो अशून्य के बीच में शून्य आएगा वो सार्थक होगा। प्रॉब्लम आगे आएगी जब दशमलव वाली संख्याएं हमके लिखनी होंगी। तो पहले इतना आप नोट कर लो, फिर इसके बाद एक एक केस आपको हम अच्छे से समझा देते हैं। इसे नोट कर लीजिए। जैसे अभी जो आपने लास्ट में उदाहरण लिखा था, वो उदाहरण में देखो हम थोड़ा सा और परिवर्तन करें।
जैसे मान लो द्रव्यमान m की वैल्यू है 20.305 किलोग्राम, और इसमें पूछा जाए कितने सार्थक अंक हैं, कितने सार्थक हैं, 5 के 5 ही है, लेकिन लगा है दशमलव, तो क्या दशमलव से कोई प्रभाव यहाँ पड़ेगा? नहीं, इस दशमलव का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तब तक जब तक दो अशून्यों के बीच में ये शून्य है, ठीक है। तो अभी भी इसमें कितने सार्थक बन रहे हैं, 5। अब दूसरा केस, तीसरा केस लिखिए, तीसरा, तीसरे में लिखिएगा आप, यदि कोई संख्या में दशमलव बिंदु ना हो, यदि कोई संख्या में दशमलव बिंदु ना हो तो उस संख्या के, तो उस संख्या के अनुगामी शून्य, तो बताते हैं, तो उस संख्या के अनुगामी शून्य सार्थक नहीं होते, तो उस संख्या के अनुगामी शून्य सार्थक नहीं होते, अनुगामी शून्य सार्थक नहीं होते, ठीक है। इसका क्या मतलब है समझो, कोई संख्या ऐसी है, जैसे आपने लंबाई लिया और लंबाई मान लो 123 मीटर है, लंबाई कितनी है 123 मीटर, क्या इसमें दशमलव बिंदु है? नहीं है। इसमें कितने सार्थक अंक है? 3 सार्थक अंक है, 1, 2, 3 है ना। अब हम इस मीटर को सेंटीमीटर में भी तो बदल सकते हैं, 100 से गुणा कर दो तो ये मीटर का किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। अब अगर हम पूछे इसमें कितने सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या उत्तर बताओगे? 3 ही होंगे। क्यों? क्योंकि इस संख्या में दशमलव बिंदु नहीं है, और जिसमें दशमलव बिंदु नहीं होता उनके अनुगामी, अनुगामी का मतलब आगे आने वाले ये शून्य सार्थक नहीं होते, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे? अभी भी 3। अगर हम चाहें तो इसे मिलीमीटर में भी बदल सकते हैं, 10 का गुणा कर दो तो ये मिलीमीटर में चला गया, अभी कितने सार्थक अंक होंगे? 3 ही रहेंगे, ये तीनों के तीनों जीरो सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। तो ये केस है कि अगर कोई संख्या ऐसी है जिसमें दशमलव बिंदु नहीं है तो उस संख्या के लास्ट में आने वाले सभी जीरो सार्थक नहीं होते। जानकारी स्पष्ट है, नोट किया जाए। यदि संख्या में दशमलव बिंदु हो तो आने वाले अनुगामी शून्य, तो आने वाले अनुगामी शून्य सार्थक होते हैं, आने वाले अनुगामी शून्य सार्थक होते हैं, आने वाले अनुगामी शून्य सार्थक होते हैं। तो ये आपने तीसरा केस पढ़ा था कि अगर दशमलव बिंदु नहीं है तो आने वाले अनुगामी शून्य सार्थक नहीं होंगे, ये केस आप पढ़ रहे हो कि अगर दशमलव बिंदु हो तो आने वाले सभी शून्य सार्थक होंगे। जैसे उदाहरण से समझो, मान लो लंबाई को लिखा जाता 10.350 मीटर ऐसे, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? देखो इस संख्या में दशमलव बिंदु है ना, तो दशमलव बिंदु होने की वजह से जो आगे ये दो शून्य आ रहे हैं ये भी क्या बन गए, सार्थक। अगर दशमलव बिंदु नहीं होता तो ये जीरो शून्य सार्थक नहीं बनते, लेकिन यहाँ दशमलव बिंदु होने की वजह से ये सार्थक बन गए। तो कितने सार्थक अंक इसमें है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। जानकारी स्पष्ट है। अच्छा, अगर मान लो यही संख्या ऐसे होती 0.01230000 इतना होता तब इसमें कितने सार्थक अंक बनते? कितने सार्थक अंक आएंगे? 7 नहीं। देखो इसमें जो दशमलव के तुरंत बाद और दशमलव से तुरंत पहले ये शून्य है ये सार्थक नहीं होंगे।
अगर संख्या दशमलव अंक वाली है तो दशमलव बिंदु के ठीक पहले और ठीक बाद वाली संख्या सार्थक नहीं होगी, लेकिन कब? जब ये एक से छोटा हो। एक से क्या हो? छोटा, यानी ये संख्या एक से छोटी हो। अगर संख्या एक से छोटी है तो दशमलव के पहले का, दशमलव के तुरंत बाद का शून्य सार्थक नहीं माना जाता, लेकिन आगे आने वाले अनुगामी शून्य सार्थक होते हैं। तो ये जीरो सार्थक है, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, पर ये दोनों नहीं है। तो अब कितने सार्थक अंक दिख रहे हैं? तीन ये और तीन ये मिला के छः सार्थक अंक दिख रहे हैं। तो क्या ये जानकारी स्पष्ट है? अगर कोई दशमलव बिंदु वाली संख्या है तो दशमलव बिंदु वाली संख्या के अनुगामी शून्य भी सार्थक होते हैं। और दशमलव बिंदु अगर ऐसा है कि संख्या एक से छोटी है, तो अगर एक से छोटी संख्या है तो दशमलव के ठीक पहले और दशमलव के ठीक बाद वाले शून्यों को सार्थक नहीं मानते। जानकारी स्पष्ट है, नोट किया जाए। सार्थक मान लिया। क्यों सार्थक माना? क्योंकि ये देखो दो अशून्यों के बीच का ये शून्य है, इसलिए ये तो सार्थक होगा ही, सिर्फ दशमलव के ठीक पहले और दशमलव के ठीक बाद वाला सार्थक नहीं है। और ये संख्या एक से छोटी है तो इसके आखिर वाले जो वैल्यूज हैं वो सभी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। तो इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच छः सात, कितने सार्थक अंक बन रहे हैं? सात। एक उदाहरण यह भी आप नोट कर लो। ठीक है, जानकारी स्पष्ट है। तो इसमें देखो सार्थक अंकों में केवल जीरो को लेकर के समस्या है, बाकी जितने भी अंक होते हैं वो सब सार्थक होते हैं, सिर्फ जीरो वाली प्रॉब्लम है। जीरो के कई केस वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। और दस की घातों के लिए सार्थक अंकों की कोई वैधता नहीं है, दस की घातें कोटिमान में चली जाती हैं, उन्हें हम सार्थक अंक में नहीं लाते हैं। जानकारी स्पष्ट है। अब इसके बाद आता है सार्थक अंकों का बीजगणित। सार्थक अंकों का बीजगणित, जिसमें हमें दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़ना पड़ सकता है, या दो से अधिक संख्याओं को घटाना पड़ सकता है, या उन्हें गुणा करना पड़ सकता है, या भाग करना पड़ सकता है। तो जब दो संख्याओं का गुणा, भाग या जोड़ घटाना हम करेंगे तो उनके परिणाम में कितने सार्थक अंक होने चाहिए, ये हमें सीखना है, ठीक है। तो देखो इसका जो बीजगणित है वो कुछ इस तरीके से है। सार्थक अंक बीजगणित, इसमें से दो चीज़ें लेते हैं, जोड़ या घटाना, और एक है गुणा या भाग। देखो वैसे गणित में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, जोड़ और घटाना, लेकिन इनका बड़ा स्वरूप, जोड़ का बड़ा स्वरूप क्या है? गुणा। और घटाना का बड़ा स्वरूप क्या है? भाग। जो जोड़ने में टाइम लगता है तो गुणा कर लो, आसान हो जाता है, कम समय लगता है। तो ये दोनों बृहद तरीके हैं इसी के। दो संख्याओं को अगर आप जोड़ रहे हो या आप दो संख्याओं को घटा रहे हैं तो परिणाम में सबसे कम सार्थक अंक लिखे जाएंगे। सबसे कम सार्थक अंक, गुणा में भी वही बात है, सबसे कम सार्थक अंक। सबसे कम सार्थक अंक ही लिखना है, लेकिन किसके अनुसार सार्थक अंक लिखोगे? तो जो दो संख्याएं आप लेंगे, जिन्हें जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुणा भाग करेंगे, उन दोनों संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या दी जाएगी, और उन दोनों में से जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होगा आंसर में उतने ही सार्थक अंक आपको लिखना है। उदाहरण से समझो, जैसे मान लो मेरे पास एक संख्या है 12.3058, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? एक दो तीन चार पाँच और छः। फिर मैंने एक संख्या इसमें जोड़ना है और वो है 0.0325, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तीन ही सार्थक अंक हैं।
और इन्हें हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 2 7 1 8 और 0 में 3 जोड़ोगे 3 आएगा, फिर 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, 2 का 0 जोड़ेंगे 2 आएगा और 1 का 1 आएगा। ये परिणाम है, यही तो रिजल्ट आया जोड़ने पर। इसमें कितना सार्थक अंक लिखा जाए, सही आंसर क्या होगा? देखो इसमें सबसे कम सार्थक अंक लिखे जाएंगे, सिर्फ 3 सार्थक अंक लिखे जाएंगे, क्योंकि जो 2 संख्याओं को जोड़ रहे हैं उनमें से एक संख्या में सबसे कम सार्थक अंक 3 है, तो उत्तर में भी सार्थक अंक कितने लिखोगे, 3। तो सिर्फ लिखोगे आप 12.3, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। यही प्रक्रिया गुणन में भी यूज़ करेंगे। जैसे मान लो हमने एक संख्या लिया 125 या 1250, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, कितने सार्थक अंक है जी, 4 नहीं 3, क्योंकि इसमें दशमलव बिंदु नहीं है, तो दशमलव बिंदु नहीं है तो आखिरी वाला शून्य सार्थक नहीं होगा, तो 3 सार्थक अंक है। फिर हम गुणा कर रहे हैं 0.25 से, इसमें कितने सार्थक हैं, 2 सार्थक हैं। गुणा करो कितना आएगा, 5 0 0 5 25, 5 2 10 2 12, 5 1 5 1 6, फिर 2 0 0 2 5 10, 2 2 4 1 5, और 2 1 2। फिर 0 से गुणा करोगे तो सब 0 0 ही आएगा, तो जोड़ेंगे कितना आएगा, ये 0 5 2 6 5 11 और 2 1 3, और इसमें कितने अंक पहले दशमलव लगाना है, 2 अंक, तो यहाँ लगा दिया दशमलव। अब इसके आंसर में कितने सार्थक अंक लिखेंगे, सिर्फ 2 सार्थक अंक लिखेंगे। तो 2 सार्थक अंक लिखने के लिए जो 312.50 लिखा है, इसका दशमलव एक अंक आगे लाना होगा और 2 अंक आगे ले सकते हैं, तो इसको ऐसे ले सकते हैं 3.1250 × 10^1, और 1 2 अंक आगे लाएं तो ऋण 2 लिख देंगे। अब इसके उत्तर में सिर्फ कितने सार्थक अंक लिखेंगे हम, 2, सिर्फ यही इतना लिखेंगे, अर्थात 3.1 × 10^-2, ये आंसर लिखा जाएगा। तो इसमें ध्यान में रखना है कि सार्थक अंकों की बीजगणित में अगर जोड़ा जाए या गुणा किया जाए, भाग किया जाए, घटाया जाए, तो उसमें सबसे कम सार्थक अंक ही लिखे जाते हैं, यही इसका बीजगणित है, ठीक है। और वो कितने सार्थक अंक लिखे जाएंगे ये कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा उन्हीं संख्याओं में से जिसमें सबसे कम सार्थक अंक रहेगा, उतने सार्थक अंक उत्तर में भी लिख देंगे। जानकारी स्पष्ट है, नोट किया जाए। इसमें ये घात ऋण नहीं धन रहेगा, ये पावर जो है ना ये पॉजिटिव रहे, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव पावर रहे, सही कर लीजिए।